है परिंदे भी हैं। ये कौवा है, तोता ही है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई सीन ये है कि आज मैं उठ चुका हूँ जल्दी, क्योंकि आज अब मैंने सोचा यार मैं क्यों ना सहरी से ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँ जैसे कल किया था। लेकिन मैं कल भी सो चुका था सहरी करने के बाद। आज हमारा सीन ये है, हमने बोला यार सारे दोस्त आते हैं घर पे, क्यों ना मिल के कढ़ाई बनाते हैं और सहरी करते हैं, खुद बना के खुद खाते हैं, वो मज़ा ही अलग होता है। सारे दोस्त वो आ चुके हैं, राजा आ चुका है, फहद आ चुका है, उसामा आ चुका है, शोभी आ चुका है, अली है हमारे साथ, तो मज़ा करने वाले हैं। बनाते हैं, दिखाते हैं अपने हाथों से कढ़ाई कैसे बनती है। रेडी हो चुका है, ये हमने इस पर रख दी है कढ़ाई, और ये हमारे पास है टमाटर कटे हुए, पहले ही हमने काट के उसको रख दिए। दही हमारे पास, और ये है मिर्ची कुछ ऊपर से डालने के लिए। चिकन ये भी रेडी हो चुका है, काट लिया, कटिंग हो चुकी है, धुलाई हो चुकी है, अब इसको रख देते हैं हम साइड में। चूल्हा हमारा रेडी हो चुका है, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। आज हमने आपको अपने घर बुलाया कढ़ाई खिलाने के लिए, तो कैसे भी नहीं है वैसे आप घर में करते हो, दोस्तों के साथ मज़ा आता नहीं आता। बस अल्लाह करे कढ़ाई अच्छी बन जाए। वही राजा तुम बताओ कि घर वालों के साथ मज़ा आता है सहरी करने में या दोस्तों के साथ? बोथ ऑफ यू। इंग्लिश स्पीकिंग नॉट ए चिल्ड्रन प्ले, इंग्लिश स्पीकिंग लाइक ए अंडरटेकर प्ले। निकाल लिया एक कप में, और ये हम लोग डालने वाले हैं पूरा इसमें ऑयल, पूरा डालने वाले, और ये डल चुका है इसमें। अब इसको थोड़ी देर गर्म होने देते हैं, फिर इसमें हम लोग आगे डालते हैं। तौबा 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 भाई, ये अदरक लहसुन का पेस्ट डल रहा है इसमें। कैसी बनती है कढ़ाई? जैसी भी बनेगी खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक घंटा है कढ़ाई बनाने के लिए और खाने के लिए। गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे चिकन। जैसा कि आज आप देख रहे हैं मिस्टर उबैद इमरान आज कर रहे हैं कुकिंग, तो हम खाएंगे आज इनके हाथों की अफ्तारी। अच्छा, तो क्या सहरी 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 कर रहे हैं यार? देखिए आज मैं आपको बहुत ही कोई लजीज कढ़ाई बना के दिखाऊंगा, आप भूल जाएंगे शाइन शनवारी और ये वाला शनवारी, आप भूल जाएंगे सारी जगह, आप बस बोलेंगे उबैद तुम खाना बनाओ। हमें कुछ बता सकते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे? मतलब टमाटर रखे हुए हैं, टमाटर हमने पहले से ही काट दिए, दही है हमारे पास, चिकन था पहले से ही कटा हुआ, और अदरक लहसुन का पेस्ट था, सब कुछ हमने डाल दिया। बाकी हमारी बाकी पार्टीज है वो अपना गेम खेलने में मसरूफ है, आपकी सहरी की वो दावत है। हमें सारा काम तो हमने कर लिया, अब जब सुकून लेने के लिए बैठे तो हमारा नाम ही नहीं आ रहा, क्रेडिट ही नहीं मिल रहा हमको भाई। चाहिए बिल्कुल आपके, आओ मैं तुम्हें क्रेडिट दूँ, इधर आओ, ये कचरा पड़ा हुआ बाहर पिक कराओ। पहले हम इसमें नमक, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, और आज का हम कर रहे हैं अब इसमें हम ये डालेंगे, 15 मिनट तक हम वेट करेंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे। कोयला गर्म करने के लिए रख दिया, ताकि एंड में जब इसके ऊपर लगाएं तो अलग ही धूमधाम की सी खुशबू आ जाए इसमें। 2000 years later कोयला भी गर्म हो चुका है, और हमारी जो कढ़ाई है ये भी उई 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 उई। हाँ, तो अब रहते थे कुछ इंग्रेडिएंट्स बाकी, तो अब वो हम डालने की कोशिश करेंगे। ये जो मिर्ची है काट के पहले से रख ली थी हम लोगों ने, तो अब हम इसमें डालने वाले हैं। और ये क्या हो रहा है? नहीं, ये कोयला गर्म हो रहा है ताकि ऊपर से धुनिया हम दे सकें और जायका अच्छा हो सके, यानी फुल बारबी का फ्लेवर मिलेगा। फुल बारबी का आपको फ्लेवर मिलेगा ये मिर्ची राज को। अब हम थोड़ा और ढक देते हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर्स। ये किस लिए होता है? इसलिए होता है कि आप जो है इसका एयर निकाल सकें, और चलते फिरते आप टमाटर भी खा सकते। तो राटे काट रही हो ओम फो। ये टमाटर्स की बारी, टमाटर्स बहुत सारे, तो हम इसको लेंगे टमाटर्स। अब इसमें हम डालने वाले हैं मेरे नाम बस बच्चे। ओए 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 ओए, टमाटर डल चुके हैं। चलो चलो चलो, हम लोगों ने इसको इतना मिला दिया कि बोटी हड्डियों से अलग हो चुकी है। हमारा मोबाइल जो है बहुत हीटअप हो चुका है, अब इसको रखने वाले हैं फ्रिज में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
बस बस अच्छा हमारी कढ़ाई हो चुकी है, इसका थोड़ा सा पानी खुश्क होने तक हम थोड़ा वेट करेंगे और देखिए हम कितनी गंदगी मचा देते हैं, कितना साफ किचन था और हमने कितना गंदा कर दिया उसको छोड़े आप, तो इसको वेट करते हैं पानी खुश्क होने तक और डायरेक्ट आपको दिखाते हैं जीरो मीटर मतलब नई बनी हुई कढ़ाई। मैंने सोचा हमने भाई हम लोग शहरी में लस्सी का इंतज़ाम होना चाहिए, तो यहाँ बन रही है लस्सी हाथ के हाथ जो बना रहे हैं शुएब जमाल। रमजान आया इंतजाम है, लस्सी भी हो जाएगी तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और ये डंडा लस्सी में दूध चलो डालें। वाह भाई हमारी हो चुकी है कढ़ाई फाइनल रेडी और देखें माशाल्लाह क्या बनाई है आपके भाई ने। और अभी कोई लोग का तड़का लगाते हैं इसमें, पहले हम लोगों ने रख दिया, इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ये कर दिया हमने इसको बंद। और अब इसमें जो है रिव्यू लेते हैं लोगों से खाने के बाद कि कैसी बनी है कढ़ाई। मज़ा आ गया यार, बहुत बढ़िया पुत्र, बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया। अच्छी बनी हुई थी, ऐसी कभी कुलाची में भी नहीं खाई ऐसी कढ़ाई मैंने तो। बहुत अच्छी उबैद, आपके नाम की तरह खूबसूरत। हाय हाय, मेरे पास कोई नो लफ्ज़ ऐसी खाई नहीं मैंने। ओ माय गॉड, कढ़ाई पीछे से आ रही है ना, स्क्रिप्ट पे चल रहा था भाई। जुम्मे का दिन है, अभी मैं उठाऊँ और गर्मी इस कदर हो रही है आज, आंखें भी नहीं खोली जा रही हैं और मेरी नमाज भी निकल चुकी है। 3 बजे वाली मस्जिद में जाना है, अब काफ़ी दूर है वो घर से, तो उधर जाना है। 2:30 बजे वाली मस्जिद में तो हो चुकी होगी, तो वहाँ चलते हैं, नमाज के बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई नमाज जो है पढ़ चुके हैं हम लोग और अभी हम घर जा रहे हैं, कल वाला ब्लॉग एडिट करके पोस्ट करना है और जब तक कि असर नहीं होती हम लोग घर में ही रहेंगे क्योंकि आज जो है गर्मी बहुत है। और उसके बाद फात को कॉल करेंगे असर की नमाज़ के बाद, फिर देखेंगे क्या प्लान है, अगर कहीं जाना हुआ कोई काम हुआ तो वो काम कर लेंगे, वरना तो घर में ही रहेंगे, इफ्तारी करेंगे फिर व्लॉग एंड करेंगे। हाँ तो भाई सो के उठ गया था मैं और मैंने व्लॉग जो है पोस्ट पे लगा दिया, शेड्यूल पे लगाया, 12 बजे ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। अभी शो भी आ गया और हम लोग जा रहे हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने इफ्तारी के लिए। देखना कितना मासूम लग रहा है आज ये पहली बार, तो चलते हैं। तो 1 घंटा 10 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट में सारे फ्रूट्स वगैरह लेने हैं शोभी को भी और मुझे भी और घर पे देते। कितने का बेच रहे हो? 80 रुपये किलो। देख रहे हैं किस कदर महंगाई हो चुकी है यहाँ पे और फ्रूट्स वगैरह हम लोगों ने ले लिए, आखिरी तरबूज वगैरह ले रहे हैं। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।